ये रात में तो गोपियाँ बन जाते हैं, दिन में ही लता पता रहते हैं। वो भगवान कृष्ण की गोपियाँ थी 16108, उन्हीं के रूप में ये दर्शन देते हैं रात में और रास करते हैं कृष्ण भगवान के संग में। आइए देखिए किस तरह से यहाँ पर 7 लॉक लगाए जाते हैं, 7 लॉक लगाए जा रहे हैं। अब इस वन के अंदर कोई भी पक्षी तक नहीं बचेगा। हेलो दोस्तों, वृंदावन यात्रा के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन में स्थित निधिवन में, जहां आज भी श्री कृष्ण रासलीला करते हैं। इस वन में स्थित सभी पेड़ रात में गोपियों का रूप लेकर श्री कृष्ण और राधा जी के साथ रासलीला करते हैं। इस वन में स्थित रंग महल में रोज रात में श्री कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। शाम को रंग महल में श्री राधा रानी जी का श्रृंगार का सामान ठाकुर जी को लड्डू, दातुन, लोटे में पानी और बिस्तर लगाया जाता है। और इसके बाद रंग महल में 2 दरवाजों में 7 ताले लगाए जाते हैं। सुबह जब रंग महल को खोला जाता है, सारा सामान अस्त व्यस्त पाया जाता है। भोग लगा हुआ लड्डू, चबाया हुआ दातुन, पान और लोटे में जो पानी रखा जाता है वह भी कम पाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम यहां एक रात रुकने वाले हैं और आपको शाम से लेकर सुबह तक का पूरा दृश्य दिखाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं चैनल इंडियन रील्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निधिवन श्री कृष्ण के अनन्य भक्त स्वामी हरिदास जी की तपोस्थली भी है। यहाँ स्वामी हरिदास जी को जमीन के अंदर से श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा मिली थी, जो आज वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में स्थित है। और हर रोज दूर दूर से हजारों श्रद्धालु बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि रात में श्री बांके बिहारी जी मंदिर से निकलकर निधिवन में रासलीला करने आते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं चैनल इंडियन रील्स। तो अभी हम आ चुके हैं निधिवन में। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है इसका प्रवेश द्वार, यहाँ से एंटर करते हैं और उधर है इसका एग्जिट, वहाँ से बाहर निकलते हैं श्रद्धालु। तो ये निधिवन के अंदर का रास्ता है, यहाँ चारों तरफ से इसको प्रोटेक्ट कर रखा है बांस की सहायता से, और क्योंकि यहाँ बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो अपना मोबाइल और कुछ और भी जो छोटा मोटा सामान है वो आप संभाल के रखें, क्योंकि बंदर आपके हाथ से मोबाइल वगैरह आपका छीन के ले जा सकते हैं। और यहाँ आप देखिए, इस पर लिखा हुआ है वृक्ष व पेड़ों की जड़ से मिट्टी लेना सख्त मना है। तो यहाँ आप इन वृक्षों की जड़ों से मिट्टी नहीं ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वन के अंदर जो एक केव बनी हुई है लकड़ियों की, इसी के अंदर अंदर आप इसमें घूम सकते हैं और वन का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर हैं पीलू के वृक्ष। तो माना जाता है कि पीलू के वृक्ष हैं बहुत ही पुराने होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक ये ऐसे ही रहते हैं और बहुत ही कम पानी की इनको आवश्यकता होती है। आप देखिए किस तरह से ये बंदर इसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन ये अंदर नहीं आ सकते हैं, इसी वजह से ये इस केव को बनाया गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, लाइटें जल चुकी हैं और इस वन के अंदर सभी पशु पक्षी, बंदर और जहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी इस वन में आपको नज़र नहीं आएंगे। ये
ये स्थान का नाम है निधिवन, निधिवाने माना जाता है, खजाना बन माने माना जाता है जंगल। आप जितने भी यहाँ पे वृक्ष देखोगे 16108 वृक्ष हैं, जैसे भगवान कृष्ण की गोपियाँ थी 16108 उन्हीं के रूप में ये वृक्ष हैं। ये रात में तो गोपियाँ बन जाते हैं, दिन में ही लता पता रहते हैं। वो भगवान कृष्ण की गोपियाँ थी 16108 उन्हीं के रूप में ये दर्शन देते हैं रात में और रास करते हैं कृष्ण भगवान के संग में। जो मंदिर हैं, जैसे हम एंटर करेंगे तो सबसे पहले जो मंदिर है वो स्थान है जहाँ स्वामी अरदास जी ने बाकी बिहारी जी को प्रकट किया था, जो स्वामी अरदास जी ने स्वयं बाकी बिहारी जी की मूर्ति को उधर से प्रकट किया था। फिर जो दूसरा स्थान है वो है रंग महल, रंग महल जहाँ आज भी भगवान आते हैं, राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, पूरा 16 श्रृंगार सजाया जाता है राधा रानी के लिए, लड्डू पान दातुन रखा जाता है और बिस्तर सजाया जाता है, इसमें फूलों की सेज लगाई जाती है, ऐसे गर्मियों में फूल बिछाए जाते हैं। तो सुबह आके देखते हैं, 7 ताले में उसको बंद कर देते हैं, सुबह आके देखते हैं तो फूल बिखरे हुए मिलते हैं, दबे हुए मिलते हैं, लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, जो लोटे में जो होता है वो आधा मिलता है, और जो राधा रानी का श्रृंगार है वो ऐसा लगता है कि किसी ने यूज़ किया है। और तीसरा जो मंदिर है वो है वंशी चोर राधा रानी का। जब कृष्ण भगवान रंगमहल में सेन कर रहे थे तो अपनी ललता विशाखा गोपियों के संग में राधा रानी ने उनकी बंसी चुरा कर उधर बैठ गई थी, उधर राधा रानी के हाथ में बंसी है। चौथा जो स्थान है वो स्वामी अरदास जी की जीवित समाधि है, जब स्वामी अरदास जी ने बाकी बिहारी जी को प्रकट कर लिया उसके बाद में उनकी 5-6 साल सेवा करके अब उनकी सेवा अपने भाई जगन्नाथ जी के पुत्रों को सौंप कर उन्होंने वहाँ पर जीवित समाधि ली थी। तो आइए अब आपको सीधे ही ले चलते हैं वहाँ जहाँ श्रृंगार सजाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग समय हो गया है 8:15 का और यहाँ इस वन को अब बिल्कुल पूरी तरह से लॉक किया जाएगा। यहाँ लाइट बुझा दी गई है शयन कक्ष की और पर्दा लगा दिया गया है। अभी आप देखिए सबसे लास्ट का ये यहाँ पर प्रोग्राम ये चल रहा है। आइए अब आपको दिखा देते हैं, आइए देखिए किस तरह से यहाँ पर 7 लॉक लगाए जाते हैं। ये देखिए और उसके बाद में सुबह आके यहाँ हम देखेंगे तो ये पूरा जो सामान, जो श्रृंगार का सामान रखा है वो पूरा अस्त व्यस्त मिलेगा। और ये मेन गेट भी लगा दिया गया है, यहाँ पर भी लॉक लगाए जा रहे हैं। लॉक भी कोई छोटे मोटे नहीं है, काफी हैवी लॉक हैं, आप देखिए। अब आप देख रहे हैं मंदिर से 7 ताले लगा दिए गए, सुबह 7 ताले आपके सामने खोले जाएंगे। सुबह जो भी ठाकुर जी लीला अपना यूज करते हैं वो आपको हम सुबह बताएंगे। बोलो राधा रानी की।
सुबह का समय हो चुका है और जीव जंतु इस वन के अंदर आने लग गए हैं, बंदर भी आने लग गए हैं, चिड़ियाँ चहचहाने लग गई हैं और इधर इस मंदिर में जो भक्त हैं वो आ चुके हैं और यहाँ राधे राधे का जाप कर रहे हैं। तो अभी ये बस मंदिर खुलने वाला है, जो 7 ताले यहाँ लगाए गए थे वो अब खुलने वाले हैं। देखिए किस तरह से भक्त यहाँ राधे राधे का जाप कर रहे हैं। ये देखो खाया हुआ लड्डू राधा रानी का। ये था तो उनकी ठाकुर जी की और ये चबा हुआ पान था ठाकुर जी का। 2 दातुन होते हैं, 1 दातुन को भक्त ले चुके। के लिए अपना घर से बाजार से जो अपना से नहीं जा सकते। लड्डू 5 दातुन 501 रुपए 900 ग्राम। राधा रानी की उनकी चुनरी 501 रुपए 900 ग्राम और राधा रानी की पहनी हुई साड़ी 1100 रुपए 900 ग्राम। बोलो राधा रानी की। जिस भक्त को जो अपने लिए लेना है वो अपने नाम की सेवा दे के ले जा सकते हैं। बाला से आए हैं जी। तो क्या सुनाया आपने निधिवन के बारे में? निधिवन में भगवान रास रचाते हैं, गोपी हैं, जो उनसे वृक्ष बने में ये गोपी हैं, हम इनके दर्शन करने आए हैं, इनका श्रृंगार का सामान देखने आए, लेने आए, दर्शन करने आए इनको। भगवान हमें भी जल्दी दर्शन दे, हम भी इनके चरणों में लगे रहे। आपने सुबह का सामान देखा जो दातुन चबी हुई, पान खबा हुआ, पान चबा हुआ, दातुन? हाँ, गौर से देख के आए हैं, गौर से देख के साड़ी लेके आई है। हमारे पास साड़ी है, राधा रानी की यूज करी हुई साड़ी लेके आई है। राधा रानी की साड़ी यूज करी हुई, श्रृंगार का सामान। देखिए जो राधा रानी के श्रृंगार का जो सामान रखा जाता है वो भक्तों को बांट दिया जाता है। तो ये लेकर आए हैं यूज की हुई साड़ियाँ। देखिए ये है राधा रानी की यूज करी हुई साड़ी, ये राधा रानी का यूज किया हुआ सामान है जी, श्रृंगार का सामान, ये श्रृंगार का सामान है। तो इस तरह से ये यहाँ पर बांट दिया जाता है। ये लड्डू हैं राधा रानी के, हमें लड्डू मिले हैं, खाए हुए प्रसाद है। ये खोल के दिखाओ, ये हम घर के लिए लेके जा रहे हैं, बच्चों के लिए। राधा रानी ये सबसे आगे यूज किया हुआ प्रसाद है, लड्डू खाया हुआ था उन्होंने, उसमें चला गया, इसमें चला गया। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हम बहुत बारी आ चुके हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, भगवान का घर है।
मन नहीं करता है, हमारा जाने को मन नहीं करता है, पर बच्चे के कारण जाना पड़ता है। पर बहुत अच्छा लगता है हमें, साल में 2-4 बारी आ जाते हैं, बुला लेते हैं हमें। अच्छा, जैसे आप कब आए थे यहाँ? शाम को आए थे? कल आए थे शाम को। और कल सुबह आए थे? कल सुबह। कल सुबह आए थे आप? सुबह आए थे। और अच्छा, आप धर्मशाला में रुके थे, तो रुकने की वजह क्या थी आपकी कि यहाँ रुका जाए? वजह तो ये थी, हम निधिवन सारा देखे, वृंदावन सारा देखे, सुबह का नजारा, रात का नजारा, मंगला आरती, ये देखने के लिए रुके हुए हम। तो सुबह का नजारा देखने के लिए लोग यहाँ रुकते हैं, और होटल या धर्मशाला या किसी रिश्तेदार के घर पे रुकते हैं, क्योंकि सुबह का नज़ारा कुछ विचित्र ही बनता है यहाँ पर। तो जिस तरह से अभी आपने देखा था वो नज़ारा, अगर आपको देखना है तो आपको भी यहाँ शाम को स्टे करना होगा, और सुबह इस तरह से करीब 5:30 बजे यहाँ पे आना होगा, और 6 बजे मंदिर खुल जाता है। और जी सबसे पहले भाग के सबसे पहले आना होगा आपको, तभी आपको हाँ जी भाग भाग के दौड़ दौड़ के जाते हैं, जाना पड़ता है भगवान के लिए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और दोस्तों व परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।